बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का मौजू ख्वाब के अंदर गोश्त देखने के हवाले से है। अगर ख्वाब में देखे कि वो कच्चा गोश्त खाता है, दलील है कि ख्वाब देखने वाला बीमार होगा। ख्वाब में कच्चा गोश्त देखे तो ये ख्वाब अच्छा नहीं, भाइयों से रंज मिलने की दलील है। ख्वाब में कच्चा गोश्त देखने की दूसरी ताबीर अपनी किसी अजीज की गीबत करना है। ख्वाब के अंदर अगर ये देखे कि वो गोश्त फरोख्त करता है तो दलील है कि कत्ल होगा या सूली चढ़ेगा। ख्वाब के अंदर कसाब को गोश्त फरोख्त करते देखना अच्छा है। ख्वाब देखने वाला दुश्मन पर गालिब रहेगा, इज्जत शौहरत मिलेगी। ख्वाब के अंदर कसाब से गोश्त खरीदने की तीन बुरी ताबीरें ये हैं: बीमारी आ सकती है, कारोबार तबाह हो सकता है या घर में वीरानी आ सकती है। ख्वाब के अंदर अगर ये देखे कि वो गाय का गोश्त खाता है तो इसकी दो ताबीरें दी जाती हैं, एक बेटा पैदा होगा, दूसरी ताबीर इसके दिल से खौफ चला जाएगा। ख्वाब के अंदर मछली का गोश्त खाने की ताबीर किसी औरत के माल से कुछ माल हासिल करना है। अगर कोई ये ख्वाब में देखता है कि वो मुर्ग का गोश्त खाता है, इसकी जो ताबीर दी जाती है वो किसी मर्द का माल हासिल करने की है। ख्वाब के अंदर अगर ये देखे कि वो ऊंट का गोश्त खाता है, इसकी ताबीर अच्छी है, दुश्मन से बहुत ज्यादा माल उजार मिलने की दलील है। ख्वाब के अंदर हिरण का गोश्त खाने की ताबीर किसी खूबसूरत लड़की से शादी या उसका माल हासिल होने की है। ख्वाब के अंदर बकरे का गोश्त खाने की ताबीर भी अच्छी है, बहुत ज्यादा माल और अच्छा माल मिलने की दलील है। परिंदे का कच्चा गोश्त खाने की ताबीर औरत का माल खाना और औरत पर जुल्म करने की है। ख्वाब में पक्का हुआ गोश्त खाने की ताबीर अच्छी है, माल व दौलत मिलने, इज्जत मिलने और रिस्क में बरकत की दलील है।